है गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेयर करंट अफेयर सीरीज। आज है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवारी, रेलवे, डिफेंस, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया। तो विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1983 से इसे मनाया जा रहा है, 1983 से इसे मनाया जा रहा है विश्व विरासत दिवस को। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी सैड कल्चर, सैड हेरिटेज एंड सैड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम थी। अच्छा, इसे क्यों मनाया जाता है? तो इसे मनाने का कारण है सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसका संरक्षण करना। जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है, जो भी सांस्कृतिक विरासत है, इनका संरक्षण करना और इनको लोगों को इनके बारे में अवेयर करना, इनके बारे में बताना, ये इस विश्व विरासत दिवस का उद्देश्य है। जो कब से मनाया जा रहा है? 1983 से यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है। बात यूनेस्को की हो रही, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर कौन है? ऑड्रे अजोले इसके डायरेक्टर है। अच्छा, बात डेज की हो रही, तो 1 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आया था उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, जो कि उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए मनाया जाता है। 2 अप्रैल को आया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, इंटरनेशनल माइंस डे। 5 अप्रैल को 2 दिवस आए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय चेतना अंतरात्मा दिवस और दूसरा आया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इस राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या थी, विषय क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। 6 अप्रैल को क्या था? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। सिंपल भाषा में बोलते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब आया था? 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वाडा ने अपना प्ले ट्रू डे मनाया था। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी आता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की स्थापना पर, जो कि 1948 में हुई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के साथ अनुसंधान को जोड़ना। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब आया? 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, विश्व चगास रोग दिवस कब आया? 14 अप्रैल को। यह पहली बार मनाया गया था विश्व चगास रोग दिवस। 5 अप्रैल को विश्व कला दिवस, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस, भारतीय ने अपना रेलवे दिवस बनाया था 16 अप्रैल 1853 में, इसकी स्थापना हुई थी। 17 अप्रैल को विश्व होमोफिलियो दिवस, विश्व होमोफिलियो दिवस कब मनाया जाए? 17 अप्रैल को, जिसकी थीम क्या थी? गेट प्लस इन्वॉल्व, गेट प्लस इन्वॉल्व। ये थी इंपॉर्टेंट डेज। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ नामक ऐप को लॉन्च किया। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री है, उनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश बनता है, इन्होंने किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया। तो ये ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो लॉकडाउन के कारण किसानों को प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन में समस्या ना हो, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसे दाल, चावल, अनाज, फल, सब्जियां, मसाले, जो भी किसान मंडियों में या गोदामों में पहुंचाना चाहता है वो इस ऐप के थ्रू अपने ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मंगवा सकता है इस ऐप के थ्रू, और फिर वो उसे वहाँ जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकता है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसान को समस्या ये आ रही है कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उनको मंडियों में या गोदामों में नहीं पहुँचा रहा है। तो इस वजह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये किसान रथ ऐप लॉन्च किया है कि आप इस ऐप में आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप मंगवाना चाहते हैं वो इसमें डाल दीजिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिल जाएगी। अच्छा, प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर होता है? तो प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन किसान के खेत से गोदामों में या मंडियों में पहुंचाने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी उन गोदामों से दूसरे स्टेट से दूसरे जिलों में या दूसरी जगहों पे पहुंचाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या बनता है? हमारे लिए न्यूज में इंपॉर्टेंट ये बनता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसान रथ किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होगा कृषि मंत्रालय ने। और पूछा जा सकता है हमारे कृषि मंत्री कौन है? तो हमारे कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, दिल्ली सरकार ने एक्सेज कोरोना नामक ऐप लॉन्च किया। तो दिल्ली सरकार ने एक्सेज कोरोना नामक ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है इसे?
तो अभी कोरोना वायरस के कारण जो भी घर्षित एरिया है, मेन एरिया, वहाँ पे लोगों की जानकारी लेना, किसके क्या लक्षण हो रही है, क्या क्या स्थिति है लोगों की, वो स्थिति तुरंत ऐप में अपलोड करना, इसकी ये स्थिति, इसकी ये स्थिति है, और वो तुरंत अपलोड करते स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुँच जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत उस पर एक्शन लेगा और अपने जो भी निर्णय होता है वो निर्णय लेगा या विश्लेषण करके उसका। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि इस ऐप को लॉन्च करने से पहले क्या होता था, पहले डेटा लेके आते थे फिर बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय के पास लेके जाते थे, लेकिन एक्सचेंज कोरोना ऐप के अंदर आप तुरंत उसका डेटा डालिए और तुरंत वो स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहुंच जाएगा, तुरंत के तुरंत। और तुरंत के तुरंत अगर हो सकता है किसी पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा हाई हो तो वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस भेजनी पड़े। तो इन चीज़ों के लिए एक्सचेंज कोरोना नामक ऐप लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि एक्सचेंज कोरोना नामक एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो हमारा आंसर होगा दिल्ली सरकार ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? आप सभी जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टीवीएस मोटर कंपनी ने नॉर्टन बाइक कंपनी का अधिग्रहण किया। तो टीवीएस कंपनी ने क्या किया है? नॉर्टन बाइक कंपनी, जो कि इंग्लैंड की कंपनी है और 122 साल पुरानी बाइक कंपनी है, उसको मतलब खरीद लिया है। अधिग्रहण करने का मतलब उसने खरीद लिया है नॉर्टन कंपनी को। अच्छा, कितने रुपए में खरीदा है? तो आप बात करें तो 16 मिलियन यूरो में इसने खरीदा है, यानी लगभग 133 करोड़ रुपए में इसे खरीदा है। हमारे लिए क्या बनेगा इंपॉर्टेंट? हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि टीवीएस कंपनी ने किसका अधिग्रहण किया है, किसने किसको खरीदा है, तो नॉर्टन बाइक कंपनी को खरीदा है और वो कहां से? इंग्लैंड से है। और अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? तो इसमें और इंपॉर्टेंट यह बन सकता है कि टीवीएस मोटर कंपनी कहां की है, मतलब इंडिया की है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डाक कर्मचारियों के लिए भारतीय डाक देगा 10 लाख का मुआवजा। तो जितने भी डाक कर्मचारी काम कर रहे हैं, अपने जो भी, चाहे वो डाक बैंक में काम कर रहे हो, चाहे डाक पहुंचाने का काम कर रहे हो या पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी डाक विभाग में, उनको अगर कोरोना से वो ग्रसित होते हैं तो डाक विभाग उन्हें 10 लाख का मुआवजा दे रहा है। अच्छा, डाक विभाग के कर्मचारी ना केवल इन डाक की सेवाओं में काम कर रहे हैं, बाकी अन्य कामों में वो काम कर रहे हैं, जैसे राशन पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं और अन्य जो भी गवर्नमेंट उनको काम दे रही है, अलग अलग लोगों को उनको अवेयर करने के लिए, ऐसे कई काम भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। तो उनको अगर कोरोना होता है और उनसे उनको कोई अनहोनी होती है तो उनके लिए भारतीय डाक 10 लाख का मुआवजा देगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना बनेगा कि भारतीय डाक 10 लाख का मुआवजा अपने हर कर्मचारी को देगा, ये एक न्यूज है। अच्छा, भारतीय डाक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को। अच्छा, 1 अप्रैल 1854 को भारतीय डाक की स्थापना हुई थी और इसके एक साल पहले भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 1853 को। तो इन दोनों को पास पास में याद रखने में आसानी होगी और दोनों का हेडक्वार्टर मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, HDFC द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया हैशटैग बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान। तो क्या होता है ये हैशटैग बैंक सेफ्टी ग्रिड? तो आप इस इमेज में देखिए, जो आपको इस सर्कल से बने हुए दिख रहे हैं ना, ये HDFC का लोगो है और लोगो पे ये लोग अपनी डिस्टेंस बनाए रखे, इसके लिए ये एक अभियान चलाया और ये पेंट करेगा अपने लोगों को और लोग इन पे खड़े रहेंगे ताकि उनकी डिस्टेंस बनी रहे, इसीलिए बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान लॉन्च किया HDFC ने। तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और WHO के नियमों का पालन करवाने के लिए इससे किराना स्टोर, मेडिकल दुकानों के बाहर, ATM के बाहर और जो भी एसेंशियल सर्विस वाली जो भी शॉप वगैरह जो भी हो उनके बाहर इन लोगों को HDFC बैंक बनवाएगा, पेंट करवाएगा, लोग अपनी डिस्टेंस बनाए रखें, मेंटेन करके रखें और WHO को नियमों का पालन करें, इसलिए ये बैंक सेफ्टी ग्रिड नामक अभियान किसने चलाया? HDFC ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना ही बनेगा कि बैंक सेफ्टी ग्रिड किसने लॉन्च किया? आंसर होगा HDFC बैंक ने। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, इसके CEO कौन है? इसके CEO आदित्य पुरी, इसके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, भारत एशिया में स्पोर्ट्स स्टार्टअप में नंबर 1 पर रहा। पहले ये बात करते हैं कि स्पोर्ट स्टार्टअप्स क्या होते हैं। तो जो देश नए नए स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, गेम्स को लोगों को खेलने के लिए प्रेरित कर रहा है, नए नए अभियान, नए नए इनिशिएटिव्स लगा रहा है, तो इस मामले में भारत टॉप पर रहा है। भारत नए नए एकेडमीज खोल रहा है, लोगों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इस मामले में कौन टॉप पर है? एशिया में भारत है। अच्छा, पूरे विश्व में कौन है? तो पूरे विश्व में इजराइल। अच्छा, इस रिपोर्ट को किसने निकाला? स्पोर्ट्स टेक एक्स ने निकाला है। ये कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की कंपनी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया में नंबर 1 पर रहा है और इजराइल इस सूची में
पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा है। अच्छा भारत में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो भारत की बात करें तो भारत में बेंगलुरु सबसे ज्यादा टॉप पर रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी बेंगलुरु ही टॉप पर रहा है। अच्छा बात इजराइल की हो रही, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम और यहाँ की करेंसी बोले तो मुद्रा है न्यू सेकल। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा चलती है। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है बीएसएनएल के चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार। मैंने आपको कल परसों भी बताया था, वो कल परसों भी न्यूज में थे क्योंकि बीएसएनएल ने एक ऐप लॉन्च किया है भारत इंस्टा पे अपने ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो उस समय भी मैंने बताया था कि उसके चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार है। अब इनको एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। एमटीएनएल बोले तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, एमटीएनएल इनका अतिरिक्त चेयरमैन का प्रभार यानी भार दे दिया गया है। अच्छा एमटीएनएल की बात हो रही है तो एमटीएनएल की फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बीएसएनएल की बात करें तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या बनता है? सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रवीण कुमार पुरवार को एमटीएनएल का अतिरिक्त भार दे दिया गया और ये सिर्फ 6 महीने के लिए दिया गया है। 6 महीने के लिए दिया गया, 6 महीने बाद यहाँ पे दूसरे किसी बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और 6 महीने तक सिर्फ प्रवीण कुमार पुरवार ही रहेंगे, किसमें एमटीएनएल में, और बीएसएनएल में तो वो अभी है ही। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आईएमएफ के अनुसार एशिया की जीडीपी 2020 के लिए 0% रहने का अनुमान है। आप सभी को पता है कोरोना महामारी के कारण सारे देश अपनी जीडीपी को खो रहे हैं, तो एशिया की बात कर रहे हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल एशिया में 0% रहने के अनुमान है। अभी 2 दिन पहले भारत की भी इन्होंने जीडीपी निकाली थी, जीडीपी कितनी रहने वाली है आपको भी पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए वरना अगली स्लाइड में मैं बताने वाला हूं। अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी 2020 की कितना रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा इस महामारी के कारण जीडीपी की दर 2020 में पिछले 60 सालों में सबसे कम रहने का अनुमान लगाया है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। हमारे लिए इस न्यूज में इंपोर्टेंट इतना रहेगा कि एशिया की जीडीपी 2020 के लिए आईएमएफ ने कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, हमारा आंसर बनेगा 0%। अच्छा आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म बनती है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, और इसके अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टिनेला जॉर्जिवा। अच्छा आईएमएफ के पहले एक अध्यक्ष हुआ करती क्रिस्टिनेला लिगार्डे, वो अभी यूनाइटेड नेशंस की हेड है। अच्छा बात जीडीपी की आ रही है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ किस किस इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या लगाई उनको एक बार देख लेते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने सबसे कम लगाई उसने लगाई है 1.9%, फिच रेटिंग ने लगाई है 2% और एसबीआई ने लगाई है 2.6% और एसएनपी क्रिसिल ने कितनी लगाई, 3.5% एसएनपी ने और क्रिसिल ने लगाई है। अच्छा इंडिया रेटिंग ने कितनी लगाई थी, 3.6% किसने लगाई थी, इंडिया रेटिंग ने। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इसने लगाई थी 4% रहने का अनुमान, और यूनाइटेड नेशंस ने कितनी लगाई थी, 4.8%, सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस ने लगाई थी। मैंने ये क्रम बढ़ते हुए क्रम में दे रखा है, आप इसे याद करने में आपको आसानी होगी। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है गार्टनर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज्यादा डिजिटल रूप में निपुण देश है। तो गार्टनर सर्वे ने एक सर्वे किया और उसमें पाया कि भारत की 67% आबादी डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में खुश है, यानी वो चाहती है कि डिजिटल तरीके आए, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए नए तकनीक आए, इससे क्या होगा कि जॉब क्रिएट होंगे, लोगों को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी, करियर में अच्छा ऊंचाई करियर में अच्छी ऊंचाई मिलेगी। तो इस वजह से इस गार्टनर सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे टॉप पर रहा है, और इसके भारत के बाद कौन रहा, भारत के बाद सेकेंड नंबर पर ब्रिटेन रहा और थर्ड नंबर पर अमेरिका रहा। तो भारत की 67% डिजिटल संसाधनों को चाहती है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह बनता है कि भारत सबसे ज्यादा डिजिटल तरीकों में निपुण देश है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आरोग्य सेतु सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना। तो आरोग्य सेतु जो आपको पता है कोरोना वायरस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपके पास कोरोना वायरस का सस्पेक्ट आया था नहीं आया था, कब आया था कब नहीं आया था, इस चीज के लिए आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया और आपको भी डाउनलोड करना चाहिए अगर नहीं किया। तो ये ऐप 13 दिन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। कितने लोगों ने डाउनलोड किया, 5 करोड़, यानी 50 मिलियन लोगों ने 13 दिन में इस ऐप को डाउनलोड किया। इससे पहले 2016 में एक गेम आया था पोकेमोन,
वो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना था। उसे 19 दिन में 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया था और आरोग्य सेतु को 5 करोड़ सिर्फ 13 दिन में डाउनलोड कर लिया गया। ये इवन तो जब मोदी जी ने स्पीच दिया था उनमें 7 बातों में से इस एक बात को इंक्लूड किया था कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो, 1 करोड़ तो उसके 24 घंटे में ही लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इस न्यूज़ में इतना कुछ खास बनेगा नहीं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि आरोग्य सेतु सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट। तो राजस्थान सरकार ने स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है? तो अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, बच्चों की स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th उनकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अच्छा, राजस्थान सरकार ने एक कोरोना वायरस जब नए नए आया था तब राजस्थान सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, आपको पता है क्या नाम है उसका? उसका नाम है राजस्थान कोऑप सिटीजन ऐप। तो वो असेंशियल सर्विस वाले लोगों के लिए उसे लॉन्च किया गया था। और अभी राजस्थान सरकार ने दूसरा एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया, स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अनुसार पढ़ाई खराब ना हो, लोगों की घर बैठे पढ़ाई कर सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अच्छा, इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसे इंप्लीमेंट करने के लिए 20,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए ताकि स्टडी मटेरियल पहुँचाया जा सके। इन ग्रुप्स में स्टडी मटेरियल डाल दिए जाएंगे, फिर वो पूरे राजस्थान में डिवाइड हो जाएंगे, लोग अलग अलग फॉरवर्ड कर देंगे। तो स्माइल ई लर्निंग प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? राजस्थान सरकार ने। इतना मरली इंपॉर्टेंट बनता है कि स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? राजस्थान सरकार ने। अच्छा, राजस्थान की बात हो रही है तो कुछ राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। अच्छा, सरनेम मिश्रा एक और राज्यपाल हमारे देश के किस राज्य के हैं आपको बताना है, जिनके आगे मिश्रा लगा हुआ है? नाम मैं बताता हूँ, बी डी मिश्रा उनका नाम है। किस राज्य के गवर्नर है आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, मैप में ये राजस्थान है, कौन कौन से बॉर्डर राज्य शहर है इसके? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 स्टेट इसको बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान को। इसके राष्ट्रीय उद्यान बोलते नेशनल पार्क्स की बात करें तो केवलादेव, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, बाकी और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व बनता है सरिस्का यहाँ पर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। और डेजर्ट पक्षी अभ्यारण यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, डेजर्ट पक्षी अभ्यारण ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये था आज का कंप्लीट सेशन, मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, लेकिन आप शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप शेयर नहीं करते मुझे पता है, लेकिन एक बार आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में यहाँ पर प्लीज शेयर कर दीजिए, मेरी मेहनत काम आए। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।